प्यारे बच्चों नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने इंटरपोलेशन के ऊपर डिस्कशन किया था। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक इंटरपोलेशन में दो फार्मूले देख चुके हैं जो इक्वल इंटरवल के लिए हमने देखे हैं अभी तक। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ये दो फार्मूले हम लोग देख चुके हैं और इनके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स भी किए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्वल इंटरवल डेटा पॉइंट्स के लिए एक और इंटरपोलेशन फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, एंड दैट फॉर्मूला इज स्टेडलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। स्टूडेंट्स, अब ये फॉर्मूला क्या होता है, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे इसे यूज करना है, इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, और फिर कुछ क्वेश्चंस इस पूरे पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए जरा हम लोग सेंट्रल डिफरेंस के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इसका, ठीक है ना, एंड देन इसके बाद में उस फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए जरा पहले इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करें। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। कंसीडर द डेटा पॉइंट्स विथ इक्वल इंटरवल, है ना। और ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं बच्चों, x और y, है ना। सपोज दैट दिस इज x0 हमें गिवन है, x1 हमें गिवन है, X2 हमें गिवन है, X3 हमें गिवन है, X4 हमें गिवन है, एंड X5 हमें गिवन है। इसके करस्पॉन्डिंग Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 एंड Y5 ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, समझिएगा, ये तो हमने अपनी मर्जी से नाम दिया। अब मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में जिस एक x वैल्यू गिवन है, दिस x इज इक्वल्स टू xi इज गिवन, और हमें क्या करना है, इस एक्स आई की करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू यानी कि एफ एक्स आई यानी कि y x i की वैल्यू फाइंड करना है, है ना। ये हमें फाइंड करना है, और ये जो x i है जिसके ऊपर हमें y की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, ये जो x i है, ये जो डेटा पॉइंट्स हमें गिवन है विद इक्वल इंटरवल, इसमें बीच की किसी वैल्यू के नजदीक है। आई रिपीट, जिस x के ऊपर हमें y फाइंड करना होता है, वो x वैल्यू अगर इन x वैल्यूज में जो बीच की वैल्यू है x की, उसके नजदीक अगर होता है, तो उस केस में हम लोग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आई रिपीट स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जब वो x जिसके करस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है इन गिवन x वैल्यूज में मिडिल x की वैल्यू के नजदीक होता है, तो हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसी क्वेश्चन को हम न्यूटन फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं, बैकवर्ड से भी कर सकते हैं, और उनसे जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो लगभग बराबर होंगे जो सेंट्रल डिफरेंस से हम लोग निकालने वाले हैं। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पढ़ते ही क्यों हैं, नथिंग, जस्ट इट्स अ मेथड फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x, एक मेथड है। यानी कि दो मेथड आप पढ़ चुके हो, तीसरी एक मेथड और एडिशनली इसमें क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। लेकिन अपने इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं कि यानी इसको किसी खास कंडीशन में आप यूज करें तो ये शायद ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, ठीक। सो दैट्स व्हाई हम लोग सेंट्रल डिफरेंस को स्टडी करते हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट ये समझ में आया कि सेंट्रल डिफरेंस का हम यूज कब करते हैं। तो जब स्टूडेंट ऐसी स्थिति आती है कि मान लीजिए कि हमारा ये जो एक्स आई है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई फाइंड करना है, वो इस एक्स थ्री के नजदीक है, तो जब हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो उस केस में हम इन जो वैल्यूज हैं बच्चों, ये वाली जो वैल्यूज हैं उनको फिर नए तरीके से नाम देते हैं। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है इसको नाम देते हैं x0, उसके नीचे देते हैं x1, उसके नीचे देते हैं x2, उसके ऊपर देते हैं x-1, उसे देते हैं x-2 और x-3, इस तरह से नाम देते हैं। और उसी की करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज होती हैं बच्चों, ये भी चेंज हो जाती हैं और ये बन जाती हैं कुछ इस तरह से, x0 की करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2,
y माइनस वन, y माइनस टू एंड y माइनस थ्री, इतनी वैल्यू। मतलब जो x और y डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम लोग फिर नए तरीके से क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नए तरीके से उनको नाम देते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आ गई हैं स्टूडेंट, ठीक। तो जो स्टिलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जो y x है वो y x इक्वल टू होगा, वो y x इक्वल टू होगा y जीरो प्लस डेल y जीरो प्लस डेल y माइनस वन अपॉन टू इनटू p, राइट, इनटू p प्लस p स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1, ओके, डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 y माइनस 2, ओके, प्लस p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 इनटू डेल फाइव वाई माइनस टू प्लस डेल फाइव वाई माइनस थ्री अपॉन टू प्लस p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6 इनटू डेल 6 y माइनस 3 एंड प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये फॉर्मूला आगे बढ़ता है और जितना फिर हमारे पास डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी लंबी होता जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला स्टूडेंट्स। yx is equals to y0 plus del y0 plus del y minus 1। ये जो del y minus 1 है बच्चों, जब हम लोग इस तरह का डेटा होता है हमारे पास, तो जब हम लोग जो सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं ना, उसकी मदद से ये निकल आएगा। तो इस जस्ट फॉर्मूले के बाद में मैं आपको सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना भी सिखाऊंगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये कहां से निकलेगा। इनटू p, ओके, P के यहां पर वही मीनिंग है जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे, यानी कि क्या है, वेयर वेयर P इज इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, राइट, P स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1, ये टेबल के थ्रू निकलेगा, इन प्लस P, यानी कि ये P बन गया, P स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2, यानी कि यहां और यहां पर जो होगा तो ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ चुका है, तो क्यूब यहां माइनस 1 हो जाएगा और यहां माइनस 2 हो जाएगा, तो डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 प्लस, अब ये p स्क्वायर में हो गया कन्वर्ट, तो इट्स अ p स्क्वायर इनटू p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू डेल 4 y माइनस 2, यानी ये लास्ट वाला टर्म यहां आ जाता है, प्लस अब ये p फिर p बनेगा और नाउ एक फैक्टर बढ़ जाएगा, p p p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 इनटू डेल 5 y माइनस 2 डेल 5 y माइनस 2 प्लस डेल 5 y माइनस 3 अपॉन 2, यानी दोनों का एवरेज, प्लस डेल प्लस पी स्क्वायर, पी था पी स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6 डेल 6 वाई माइनस 3 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पी बन जाएगा, ओके, इट्स अ पी p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 7 इनटू में
इनटू में डेल 7y माइनस 3 प्लस डेल 7y माइनस 4 एंड सो ऑन, ऐसे आप आगे बना सकते हैं, वेयर p इज इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h. तो दिस इज द स्टिर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला स्टूडेंट, जो कि इक्वल इंटरवल के लिए यूज होता है. इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपने तरीके से आप जैसे भी इसे याद रख पाए रखिएगा याद, ठीक है ना. बाकी जब मैं आपको ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना सिखाऊंगा तो इसको याद रखने का एक तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक खास सीक्वेंस में ही आगे बढ़ता है, y0 फिर एवरेज फिर एक टर्म फिर एवरेज फिर एक टर्म फिर एवरेज फिर एक टर्म फिर एवरेज, राइट. तो इस चीज को हम लोग सेंट्रल डिफरेंस टेबल में और अच्छे से समझेंगे कि इनको याद कैसे रखा जाए, ठीक है. नाउ लुक स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, इसे अपनी कॉपी में लिखिए. और अब आइए हम लोग सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना सीखते हैं, ठीक. मान लीजिए बच्चों कि ये हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, इन्हें हमने अपने अकॉर्डिंग नॉमिनेट कर दिया है, मतलब कि जिस x के करस्पॉन्डिंग जिस एक्स आई के करस्पॉन्डिंग हमें वाई आई फाइंड करना है, वो एक्स आई इस मिडिल वैल्यू के बीच इस मिडिल वैल्यू के नजदीक था, दैट्स वाई हमने इस मिडिल वैल्यू को x0 नाम दे दिया, ठीक है ना. मतलब टेबल में x की जो वैल्यू इस x के करस्पॉन्डिंग नियरेस्ट होगी उसको हम x0, ऊपर वाले माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और नीचे वाले x1 x2 x3 एंड सो ऑन y की वैल्यू. जब हम लोग बच्चों फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस निकाल मतलब फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जो टेबल है वो बनता तो फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह ही है ना, और वैल्यू भी वैसे ही निकलती है जैसे कि हम लोग निकालते थे नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस. लेकिन जब हम लोग यहां पर लिखेंगे डेल तो यहां पर आएगा बच्चों डेल वाई माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू माइनस वाई माइनस थ्री. नाउ नेक्स्ट इट्स अ डेल वाई माइनस टू एंड इट इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन माइनस वाई माइनस टू. इट्स अ नाउ डेल वाई माइनस वन इट इज इक्वल्स टू वाई जीरो माइनस वाई माइनस वन and del y0 it is equals to y1 minus y0 and next del y1 is equals to y2 minus y1, यानी कि फिर एक नीचे की वैल्यू कम हो जाएगी. जब हम लोग सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स तो दिस इज डेल स्क्वायर y, और बेसिकली हम लोग ये बना क्या रहे हैं, दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस टेबल, दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस टेबल, ठीक है ना. डेल स्क्वायर वाई मतलब बच्चों यहां पर आएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इसमें से ये वाला माइनस है ना, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस. नाउ नेक्स्ट यहां क्या आएगा, इट्स द डेल स्क्वायर वाई माइनस टू, इसमें से ये माइनस डेल वाई माइनस वन माइनस डेल वाई माइनस टू. यहां क्या आएगा, इट्स अ डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल वाई जीरो में से डेल वाई माइनस वन, और यहां क्या आएगा, इट्स अ डेल स्क्वायर वाई जीरो यानी दिस माइनस दिस. फिर हम लोग अगला वाला टर्म निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो इट्स अ डेल क्यूब वाई. ये कैसे आएगा बच्चों, इसमें से इसे माइनस कर दो तो जो पहला टर्म होगा वो डेल क्यूब वाई माइनस थ्री, ठीक. दूसरा क्या होगा, इट्स अ डेल क्यूब वाई माइनस टू. तीसरा क्या होगा, इट्स अ डेल क्यूब वाई माइनस वन, ठीक. तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े. फिर अगला डिफरेंस करेंगे बच्चों तो इट्स अ डेल फोर वाई, तो यहां क्या आएगा, इट्स अ डेल फोर वाई माइनस थ्री और यहां आएगा डेल फोर वाई माइनस टू, ठीक. एंड लास्ट बच्चों तो लास्ट आएगा डेल फाइव वाई माइनस थ्री एंड फिनिश फिनिश. तो इस तरह से बच्चों ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनती है. और आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग स्टिर्लिंग फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज को यूज करते हैं तो कुछ खास क्रम में, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो y0, फिर उसके बाद में ये दो वैल्यूज यूज होती हैं दिस वन एंड दिस वन, फिर ये वैल्यू यूज होती है अकेली, और फिर उसके बाद बच्चों ये दोनों वैल्यूज यूज होती हैं, फिर ये अकेली वैल्यू यूज होती है, और फिर इसके बाद में दो वैल्यूज यूज होती हैं ये और ये, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है. तो अगर हमारे पास में इस तरह का कुछ डेटा पॉइंट्स होगा और हम उसके लिए सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों वो केवल यहां तक ही जाएगा. क्यों, क्योंकि इसके बाद में हमें दो वैल्यूज की जरूरत थी लेकिन है केवल एक, तो हम केवल यही वैल्यू यूज करेंगे यानी डेल फोर वाई माइनस टू तक ही फॉर्मूला जाएगा और स्टॉप हो जाएगा.
ठीक, यानी कि हर टर्म कंप्लीट होना चाहिए जो फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले का किसी टर्म का एक वैल्यू है दूसरा नहीं है तो फॉर्मूला उसके प्रीवियस स्टेप तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस टेबल स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और हमने ये टेबल बनाने के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इसे सेंट्रल डिफरेंस टेबल इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हमने बेसिकली जो डिफरेंस शुरू किया है वो एक ऐसे डेटा पॉइंट सेट के लिए शुरू किया है जिसमें कि जो इनिशियल वैल्यू है वो सेंटर से शुरू हुई है। That's why this table is called central difference table. Now students, अब इसके ऊपर आइए कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के ऊपर। आइए देखिए, आइए स्टूडेंट्स अब सेंट्रल इंटरपोलेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उस क्रम में हम लोग ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, यूज सेंट्रल इंटरपोलेशन टू फाइंड y फॉर x इज इक्वल टू 35 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। और हमारे पास में कुछ डेटा दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 512, 439, 346 and 243। ये कुछ डेटा है स्टूडेंट्स, जिसकी मदद से हमें क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 35 के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करना है। एंड नाउ लुक हियर, जो 30 है बच्चों, 35 जिसके करेस्पॉन्डिंग हमें y फाइंड करना है, वो 35 इन दोनों के बीच में है। यानी अब हमारे पास में चॉइस है कि हम इस 30 और 40 इन दोनों में से किसी को भी x0 चूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर स्टूडेंट 40 को x0 चूज करेंगे और सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ओके, तो आइए जरा यहां पर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेट x0 इज इक्वल टू 40, then central difference table, then central difference table for given data, right? तो यहां पर लिखते हैं बच्चों हम लोग x, यहां लिखते हैं y, and हमारे पास है 20, जो कि 20 है, 30 है, 40 है एंड 50 है। ये होगा बच्चों हमारा x0, ये होगा x1, ये होगा x-1 और ये होगा x-2। यहां पर आएगा बच्चों y-2 एंड इट्स अ 512। यहां आएगा y-1 यानी कि 439। यहां आएगा 3, सॉरी इट्स अ y0 एंड इट्स अ 346। और यहां आएगा y1 एंड इट इज इक्वल्स टू 243। ठीक है बच्चों, नाउ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो पहली वैल्यू आएगी इट्स अ डेल y, और वो आएगी बच्चों यहां पर ये यह पहली वैल्यू क्या आएगी, इट्स अ डेल y माइनस 2, तो इट्स अ 439 माइनस 512। तो ये जब आप लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा इट्स अ 12 माइनस 9 यानी कि 12 माइनस 9 यानी कि 2 एंड इट्स 10 माइनस 3 यानी कि 7 बच्चों, यानी कि ये आएगा 72। ठीक, यहां से ठीक है इट्स 72। पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, यहां पर आएगा ये डेल y माइनस 1, यहां पर आएगा डेल y 0, और ये बच्चों क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं, इट्स वेरी इजी 346, ये माइनस में है ना, बिकॉज 439 माइनस 512, इट्स 439 माइनस 512 इज इक्वल्स टू माइनस 73, सॉरी इट्स 73 माइनस 73 एंड 346 माइनस 439 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस 93 बच्चों, माइनस 93 243 माइनस 346 इज इक्वल्स टू माइनस 103। नाउ नेक्स्ट वन इज डेल स्क्वायर वाई एंड इट्स डेल स्क्वायर वाई माइनस 2 एंड इट्स माइनस 93 प्लस 73,
तो इट्स अ माइनस 20 बच्चों. एंड नाउ 103 डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 एंड 103 माइनस 93 स्टूडेंट्स. तो यहां पर हम लोगों के पास में आएगा इट्स अ माइनस 10. और जब हम लोग यहां पर लास्ट वैल्यू निकालेंगे बच्चों डेल क्यूब वाई, तो इट्स अ डेल क्यूब वाई माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस दिस, तो इट्स अ प्लस 10. ठीक बच्चों, तो फाइनली हमारे पास में जो वैल्यूज आई हैं वो कुछ इस तरह से आई हैं. ठीक है, पहले माइनस 73 आया, फिर माइनस 93 आया, फिर माइनस 103, फिर इसमें से इसे माइनस किया स्टूडेंट्स इट्स अ माइनस 20, इसमें से इसे माइनस किया तो इट्स अ माइनस 10. फाइनली इन दोनों को माइनस किया तो वी विल गेट दिस. तो दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा पॉइंट्स स्टूडेंट्स. नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने x0 किसे माना है, हमने x0 माना है 40 को, और हमारे पास गिवन क्या है. नाउ गिवन x is equals to 35 है, x0 is equals to हमने 40 को माना है बच्चों, और h जो है हमारा वो 10 है. तो this implies that p is equals to x minus x0 upon h, यानी कि 35 minus 40 upon 10. तो यहां से बच्चों जो हमारे पास है वैल्यू आने वाली है p की, it's a minus 5 upon 10, यानी कि minus 0.5. राइट, इट्स अ माइनस 0.5. तो ये हमारे पास बच्चों आई है पी की वैल्यू. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग टेबल का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल डिफरेंस टेबल, तो हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में. दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, बाकी इसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हम केवल यहां तक जाएंगे, यानी डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 तक हमारा फॉर्मूला जाएगा. तो आइए जरा हम लोग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले को लिखते हैं यहां पे. बाय स्ट्रिलिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला. क्या है बच्चों फॉर्मूला, इट्स अ वाई एक्स is equals to y0 plus p bracket del y0 plus del y minus 1 upon 2 plus p square by factorial 2 and it's a del square y minus 1. ठीक, it's a del square y minus 1. और एक बार हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं. यस, y0 फिर इन दोनों का सम एंड देन डेल स्क्वायर y माइनस 1. इसके बाद फॉर्मूला बाद जाएगा नहीं बच्चों, क्योंकि इसके बाद हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही है इसलिए फॉर्मूला यहीं तक रहेगा. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज स्टूडेंट्स इन दिस फॉर्मूला, तो हमें मिल जाएगा, यस ये आगे तक भी जाता है लेकिन यूज यहीं तक होगा. नाउ दिस इंप्लाइज दैट y35 इज इक्वल्स टू y0, द वैल्यू इज y0 इज 346. It's a 346 plus the value of P is minus 0.5 into del Y0. Now del Y0 is minus 103 and plus yani again minus 93 and divide by 2 plus P square yani minus 0.5 whole square upon factorial 2 yani 2. And del square y minus 1 means minus 10. This minus 10. Now this is equals to y, so zara simplify karte hain. So y 35 is equals to ye 346 to bachcho theek hai. 346 minus minus aur ye plus. So it's a plus. Now ab isko hum log calculate kar lete hain students. So it's 103 plus 93 and is equals to this, and now multiply the answer by 0.5 and is equals to 98 and divide by 2. Yes, so this is equals to 49 bachcho. So ye aa jayega plus ka 49. नाउ दिस माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस
और ये हो जाएगा बच्चों 10, 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 0.5 एंड स्क्वायर, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर इंटू 5, तो हमें मिल जाएगा आंसर में बच्चों इट्स अ 5/4। 5/4 का मतलब होता है इट्स अ 1.25। तो फाइनली जो हमारे पास में Y35 की वैल्यू आएगी बच्चों, इट इज इक्वल्स टू 346 प्लस 49 माइनस 1.25 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1575 एंड दिस इज इक्वल्स टू यस 4 3 12, 3 बचा 37 हो गया, 4 9 36 हो जाएगा और 1 बचेगा, 4 3 12, फिर 3 बचेगा तो 27 28 और 5, तो इट्स अ 393 स्टूडेंट्स 0.5। और इसको आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो 346 और 439 के बीच में आना चाहिए और हमारा आंसर 393.75 आया है। ठीक ठीक तो फाइनली बच्चों Y35 की जो वैल्यू आई है वो 393.75 आई है बाय द सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसको एक बार और आप लोग समझिए स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें किस एक्स के करेस्पॉन्डिंग वाई फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले x0 को सिलेक्ट किया। जब x0 सिलेक्ट हो गया बच्चों तो उसके बाद में हमने उनको नॉमिनेट किया, नाम दिया फिर से सारी वैल्यूज को x0, x-1, x-2 एंड x1, उसी की करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज। फिर हमने सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाया। सेंट्रल डिफरेंस टेबल के बाद में हमें यह पता चल गया कि हमारा फॉर्मूला कहां तक जाएगा, हमने उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, कैलकुलेशन किया, हमारे पास में 393.75 आया स्टूडेंट। आई होप कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा। P निकालने के लिए हमें x की जरूरत थी, x0 की जरूरत थी और 10 की जरूरत थी, वो हम लोगों ने यहां से निकाला स्टूडेंट्स। नाउ अब आइए जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। मैं उसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करके दूंगा, मैं वहां पर आपको स्टूडेंट्स केवल हिंट करके चला जाऊंगा, बाकी काम आपको करना है। आइए जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है यूज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू इवैल्यूएट f 1.22 गिवन x है बच्चों और fx है, ठीक है। x की वैल्यूज हैं 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 एंड इट्स 8.403, 8.781, 9.129 एंड 9.451, ये है बच्चों डेटा, है ना। और इसमें आपको x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 1.22 दिया है, जिसके करेस्पॉन्डिंग आपको y यानी कि y 1.22 फाइंड करना है। एंड नाउ लुक स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो 1.22 है वो इस वैल्यू के नजदीक है, तो आप इसे x0 मानेंगे, ये आपका y0 बन जाएगा एंड नाउ दिस इज योर x1, दिस इज योर x-2, x-1। सेंट्रल डिफरेंस टेबल में लगाइएगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन करके आए हैं, क्योंकि टेबल उतना ही लंबा जाएगा। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, यू विल गेट द आंसर। और जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो 9.129 और 9.451 के बीच में कहीं आएगा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे, राइट। एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि बाय यूजिंग सेंट्रल इंटरपोलेशन
to central interpolation to compute y 12.2 from the following table. और यहां पर हिंट भी क्या हुआ है कि जो yx है वो yx is equals to एक फॉर्मूले से डिनोट है, इट्स अ लॉग बेस 10 साइन x, राइट। ये है yx की वैल्यू, मतलब ये जो टेबल बनाया है वो इस फंक्शनल रिलेशनशिप के थ्रू बनाया है। यहां पर दिया हुआ है बच्चों x डिग्री, इट्स अ डिग्री, ओके। एंड यहां पर दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 इनटू yx, ये आपको दिया हुआ है। यहां पर दिया है बच्चों 10 11 12 13 14 ओके, और यहां पर दिया है 2 3 9 6 8 2 3 9 6 8 2 8 0 6 0 3 1 3 1 7 8 8 3 5 2 0 0 and 3 3 6 8। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपको फाइंड करना है y 12.2, तो 12.2 के हिसाब से ये सबसे नजदीक की वैल्यू होगी, तो इसे आप x 0 और इसे आप y 0 देंगे नाम, और उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लेंगे। पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, और फाइनली जो आपको आंसर आएगा यानी जब आप सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला को यूज करोगे तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां y x मत लिखिएगा, बिकॉज अगर आप इस डेटा को यूज करके सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो जो y x है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उसमें y x की जगह आप ये लिखिएगा 10 टू द पावर 5 y x, और जब आप इसमें यहां पे फॉर्मूला लिख देंगे, जब आप इसमें x is equals to 12.2 दोनों और लिख देंगे तो जो फाइनली आपका आंसर आएगा बच्चों वो इन दोनों के बीच में आएगा और वो 10 टू द पावर 5 इनटू yx होगा। लेकिन आपको 10 टू द पावर 5 yx नहीं निकालना है, आपको y 12.2 निकालना है केवल। तो फाइनली जो आंसर आए उसमें 10 टू द पावर 5 का डिवाइड कर दीजिएगा, आपको yx मिल जाएगा, ठीक। So these are the two questions which based on the central difference interpolation formula, और आप इनकी मदद से इस टॉपिक को फिनिश करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला या बेसिकली जो हमने स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, सेंट्रल डिफरेंस टेबल कैसे बनानी है ये समझ में आया होगा, उसका यूज कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे रखना है, कहां तक लंबा जाएगा फॉर्मूला, ये सब आपको समझ में आया होगा। इन दो क्वेश्चंस को कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और जो भी आपके पास में रेफरेंस बुक हो उससे ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने इंटरपोलेशन का नया टॉपिक लेकर आएंगे, और अगर फिर भी इन टॉपिक्स में आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।